छुटके तुम इस सब की बाकी कैसे बता रहे हैं आपको। हम वहां गए और एक मशीन के सामने हमको बैठा दिया। ये देखिए लोहा सिंह जी, ये रहा पेट में बच्चा, लगभग 5 हफ्ता का है। एकर मतलब ही हुआ डॉक्टर साहब कि हमारी छुटकी दुल्हन सही पेट से है। तुम कह तो दी हो कि तुम पेट से हो, लेकिन 9 महीने के बाद ये नहीं बोल सकती हो कि बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है। अरे बच्चा तो कहीं से भी आ जाएगा, बस ये बात का ध्यान रखना है कि वो ललिया के पेट का बच्चा ना पाए। मतलब ये है कि बाबूजी तो खुश रहेंगे कि बस कैसे भी करके बारिश आ रहा है, और ओकरी खुशी में हम लाली के बच्चा के साथ हेर फेर कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई जी, जब बाबूजी को पता चलेगा कि ठाकुरों का बच्चा आने वाला है तो कौन खराब खून का बच्चा थोड़ी लाएंगे। अरे उनको थोड़ी पता चलेगा क्या हमारे पेट में बच्चा नहीं, बस एक बच्चा कहीं से जुगाड़ लेंगे, हो गया हमारा काम। बहुत खूब, हमको पता था तुम लोग मिले हुए। तुम्हारी तीसरी जोड़ीदार नहीं दिख रही, कहाँ है? हमको झटका लगना चाहिए पर हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता, काहे कि तुम्हारी असलियत हम इतनी बार देख चुके हैं कि अब हैरानी नहीं होती। 5 साल हो गए हमारी शादी को और तुम उस आदमी का साथ दे रही हो जो हमसे नफरत करता है। अच्छा हुआ तुम्हारे पेट में बच्चा नहीं, बड़ा होता तो पता नहीं क्या बनता। शेखर तुम सही बात नहीं समझ रहे हो, हमारे साथ जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, लाली के साथ गलत हो रहा है। ओकरा बाप उसको बेच दिया, ये हवेली में उसको दासी बना के रखा, ये पूरा हवेली पूरा परिवार ओकरे साथ दुर्व्यवहार किया, फिर भी वो ये हवेली के लोगों को बचाने की कोशिश करती रही। तुम्हारे साथ का गलत हो रहा है, कंगन सारी गहना गुरिया नहीं मिली तुमको, बस इसे का कहे जा रहे हो शेखर? हाँ काहे काहे समझ में आएगा तुमको कुछ। नहीं नहीं चिंता मत करो, हम किसी से कुछ कहेंगे नहीं, तुम्हारा भेद भेद ही रहेगा, किसी को बताएंगे नहीं। बस ये सोच रहे हैं कि ये नाटक कब तक चलेगा। शेखर ये सब कहा गए? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं कहेगा वो, कहा कि वो जानता है कि तुम माँ वाली बात बोल दो, कुछ करना पड़ेगा, और एक पहले कि वो सब कुछ जाके बता दे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। बस रुकना, लाली के लिए बादाम वाला दूध भी ले आ। अरे हाय राम, अपने पैर में कितना दर्द हो गया। भाई रे भाई, खाओगे हमको? अरे का हुआ छुटकी दुल्हन, कहा था कि हमारा टहलिया मत घूमिए फिरिए, कमरे में जाके आराम कीजिए, सुनता नहीं है आप बिल्कुल। अरे नहीं बाबूजी, हम कमरा में बैठ के बिल्कुल ही उबिया गए हैं, और वैसे भी सब लोग कहते हैं कि जौन औरत पेट से हो ओकरी को अच्छी अच्छी ताजी हवा लेनी चाहिए और अच्छा नजारा देखना चाहिए। हम तो चाहते कि हमारा एक अच्छा सा गोल मटोल बच्चा पैदा हो, और ओके लिए हम ही सब करेंगे। हाँ लोहा, छोटकी दुल्हन के लिए एक झोपड़ी बनवा दो हवेली के बाहर, ताजी हवा भी मिलेगी और एयर ओवर का नजारा भी।
फिर छोटकी दुल्हन तुमको एकदम गोल मटोल बारिश देगी। आप अपना विचार अपने पास ही रखिए। आपके पैर में दर्द है तो फिर काहे घूमने जाना चाहती हैं आप? नहीं बाबूजी, हमको तो घूमने जाना है। हाँ, हम नहीं ना चाहता हूँ कि आपकी कौनो इच्छा मन में दबी रह जाए। करता हूँ आपका बंदोबस्त। बंसरूपना, चुटकी दुल्हन चलो इमा बैठो और जितना मन करे घूमो। आपके बाबूजी कहे थे ना कि हम तो अपनी बिटिया को पूरी जिंदगी राजकुमारी बना के रखा। हमारे मन को खुश किया है आज तो हम आपको रानी बना के रखेंगे। जाइए। जी बाबूजी। अब जो काम करना चाहो शान से करो। बड़े ठाकुर, पंडित जी आ गए हैं। अरे सुनो, जरा हमको ऊ वाले कमरा के सामने लेकर चलो। अब ऊ बक्सर वाली दीदी हमारा कमरा में जरा खाना भेजेंगे। खाना तो हम ले आएंगे मगर बच्चा कैसे? शेखर तो अब का है बक्सर वाली जी, शेखर प्रेम तो हमसे करते हैं ना। अरे तुम लोग यहाँ आराम मत करो, हमको जरा वहां लेकर चलो। हाँ, और बक्सर वाली दीदी हमारा खाना लेती आइएगा। वैसा है पंडित जी, एक ही साथ दू दू औरत का पेट इस हवेली में फूलेगा तो गर्भ रक्षा पूजा होनी चाहिए कि नहीं? बाबूजी आप हमको बुलाए का? हाँ मच्छर वाली, पंडित जी जो कुछ भी बताएं ओकरा जुगाड़ने का इंतजाम करने की जिम्मेदारी आपकी। बाबूजी आप हमको बुलाए थे
पालकी से उतर के तनी अपना तोहफा तो लेती जाइए। अरे लोहा, ये पूजा तो होने वाली महतारी के लिए है ना, तो दूसर की महतारी कहाँ है? बाबूजी, ओकरे खातिर ज्यादा मन महसूस करने की जरूरत नहीं है, ओकरे खातिर भी तोहफा है। ए गंगिया, ये सब ललिया दे देना। बाबूजी, वैसे इतना उपहार देख के तो यह लग रहा है कि अब ललिया और ओकरा बच्चा आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। जब अब असली बारिश आ ही जाएगा तो ओकरे सामने मिलावटी खून का बारिश का क्या फायदा है? अरे मुर्गी चाहे कितना भी अंडा दे दे, कलगी तो मुर्गा के सर पे होती है कि नहीं? नहीं तो हम रिद्या सिद्धिया को बारिश करके नहीं पुकारू। हमारे लिए दोनों ही बारिश बराबर है, समझा? सही बात है। कुछ नहीं तनी, सुन बाल्टिया फिसल गया था। का तमाशा है लाली? बोले थे भारी सामान नहीं उठाना। तुमसे कितनी बार कहा मेहनत वाला काम नहीं करना है तुम्हें? तो मेहनत वाला काम कहाँ है? ये मेहनत वाला काम छोड़ो। अरे हल्के हाथ से धोएंगे। तनी पानी डालिए, पर छोड़ो, पानी डालिए। लाली। हाँ? वो दिन सिद्धेश्वरी जो हमको पता है का सच है और का झूठ, कहे कि छोटकी दुल्हन बड़ी ठकुराइन वाली बतिया ठाकुर साहब को बता देंगे, यही लिए ना। बाकी आप एकदम में सही कर रहे हैं, ठाकुर साहब को वाली बतिया पता नहीं चलनी चाहिए। बाकी हम चुप कब तक रहेंगे लाली? जितना दिन चुप रहेंगे उतना दिन तुम पर हत्यारिन का इल्जाम लगा रहे। तो क्या चाहते हैं? बड़ी ठकुराइन पर हत्यारिन का इल्जाम लग जाए, उससे अच्छा है कि हमको लोग हत्यारिन समझे। बड़ी ठकुराइन की हालत वैसा ही ठीक नहीं। देखिए छोटे ठाकुर, गुस्सा में ना कोनो गड़बड़ काम मत कीजिएगा। अभी कहे कि सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि बड़ी ठकुराइन ठीक से रहे। हम भी नहीं चाहते माँ को कोनो तकलीफ हो। बाकी तुम्हारे लिए भी तो हमारी कोनो जिम्मेदारी है ना, तुम चिंता मत करो लाली। ये नाटक जैसे चल रहा है हम चलने देंगे, बाकी दिमाग वा भी तो चलाना पड़ेगा। ये हवेली में जो गड़बड़ हुआ है उसको तो हम होने नहीं देंगे। ये जो अन्याय हो रहा है तुम्हारे साथ और माई के साथ, वो नहीं होने देंगे।
जी, कुछ सोचे कि नहीं? और गंगिया कहाँ है? अरे वो ससुर चिरैया के कमरा के बाहर बैठी है, वहां भी तो कौन होना चाहिए ना। हमारा पिताजी का बाप से राक्षस बन जाते हैं, पता नहीं चलता। खैर अब काम की बात छुटके, पिछली बार उस ससुरी चुरैया जैसे तैसे करके हमसे बच गई थी, मेरे लिए अगली बार कोनो दूसरा तरीका, कोनो दूसरा आदमी खोजना पड़ेगा। दूसरा आदमी का मतलब भाई जी? मतलब कि मिनिस्टर साहब छुटके, कहे कि वह हैं जो हमरे से ज्यादा तुम्हारे से ज्यादा वो चिरैया को मारना चाहेंगे। सही कह रहे हो। मिलो, मत करो। हेलो, वो कहा मिनिस्टर साहब से बात कर सकते? जी आप कौन है? हम कौन बोल रहे हैं ये तो हम नहीं बता सकते, बाकी मिनिस्टर साहब से कह दीजिएगा कि अगर वो अपने बेटुए की मौत का बदला चाहते हैं तो लोहा सिंह जी के हवेलिया में आ जाइए। कहे कि वो लल्लिया अभी तक के जिंदा है और यहाँ पर ही है। वापस लालिया को तोल रहे? जी हाँ। लाली को नहीं, छुटकी दुल्हन आपको भी तोलवाएंगे। हमें बाबूजी? काहे से कि आपके पेट में भी तो बच्चा है। अरे ओकरा विकास विस्तार भी तो देखना होगा कि नहीं। नहीं 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 बाबूजी, हम नहीं बैठेंगे इसमें, हम नहीं तुलवाना चाहते अपने आप को। ए छुटकी दुल्हन बैठ के देखिए, बहुत मजा आएगा। अरे नहीं बाबूजी, हम इसमें नहीं बैठेंगे। हाँ अरे अरे देखिए बाबूजी, ये आ गई ना, पहले इसको तोड़ लीजिए। हाँ तो ठीक है, इमा कौन बड़ा बात। ए बंसरूपना ठीक से तराजू पकड़ो, लाली को बिठाओ। हे हनुमान जी, जल्दी से वो मिनिस्टर साहब को भेजिए और हमको ये बरा से मुक्ति दिलाइए। तो बहुत संतुष्टि की बात, एकम 40 था पहले, अब 40 हो गया। बड़ी ठाकुर, ओ मिनिस्टर साहब पुलिस लेके आए हैं।